दोनों वाले हो गए। ऑटो नहीं चलता भाई, टैक्सी चलते हैं। पीछा दर्शन करने आया हूँ मैं, अरुण भाई के लिए प्रार्थना करने आया हूँ मैं। मेरा भाई जीत जाए, नहीं भी जीतेगा तो कई करोड़ लोगों का दिल जीत चुका है वो, तो भाई से ढेर सारा प्यार है। प्रार्थना करने पहुँचे आज, मेरे छोटे भाई मेरे साथ में, बहन मेरी साथ में, बहुत सपोर्ट अरुण भाई, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। बहुत जेन्युइन बंदा है, एक नंबर बंदा है, रियल बंदा है। ऐसा बंदा आज से पहले शो में नहीं आया। पूजा क्या कहना चाहिए अरुण भाई के लिए? अरुण भाई जल्दी जल्दी ट्रॉफी लेके आ दो, हम आ गए गणपति बप्पा से आपके लिए प्रार्थना करने। आधी ट्रॉफी रहेगी दिल्ली में और आधी जाएगी हैदराबाद में। आधी आधी नहीं, छह महीने दिल्ली, छह महीने हैदराबाद जाएगी, तो हैदराबाद ही। लेकिन मुंबई से पहले कहाँ जाएगी तेलगा भाई? मुंबई से पहले तो, मुंबई से पहले देखो प्यार ऐसा है, दोनों भाई हम दिल्ली भी जा सकती है, हैदराबाद भी जा सकती है। मैं कह रहा हूँ नहीं भी जीतेगा तो इतना प्यार जीत लिया उसने भारत देश का कि हैदराबादी भाषा सबको पसंद आ रही है, परिवार के बच्चे को बड़े को सब खुश हो रहे हैं, बोलने का भाई का स्टाइल एक नंबर है। बैंगन भी अब नेशनल बाजी घोषित होने वाला है, बैंगन के रेट भी बढ़ने वाले हैं। हम वोट दिए हैं उनको। एक सेकंड सारे भाई पानी लो, पानी सारे भाई पानी लो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी अंकल, अंकल मचा रहे। हेलो, भाई भाई बस 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 ये था मौका, करीब हाँ बोल निकलो निकलो जे।
चलो इंटरव्यू करते हैं। ये भाई एक फोटो, एक सेकंड, थोड़ा वो नीचे करो, आगे करो। तेलका भाई क्या कहना चाहेंगे, आज आप आ गए हैं सिद्धिविनायक के दर्शन करने, क्या करने आए आप यहाँ? प्रार्थना करने आया हूँ बहन के साथ, भाई के साथ, दो भाई पीछे खड़े हैं मेरे, अरुण भाई जीत जाए और कुछ नहीं चाहिए। और वो एक ऐसा इंसान है, उसकी जो खुशी होगी ना मैडम, मैं ये नहीं कह रहा बाकी लोगों की खुशी नहीं होगी, उसकी जो खुशी होगी बिल्कुल निराली, अलग, साफ दिल का इंसान है। बनावटी खेल नहीं करा शो के अंदर, फालतू के झगड़े नहीं करे, फालतू की लड़ाई नहीं करी। मेरी बहन के परिवार के बच्चे, मतलब यार छोटे 5 साल के बच्चे बैगन बैगन करते हैं, अरुण भैया करते हैं, मतलब ये लगा लो कि बच्चों के दिलों में राज कर रहा है, बड़ों के दिलों में राज कर रहा है, सारे के सारे खुश हैं कि अरुण भाई जैसा शख्स पहली बार शो में तहलका मचाने आया है बड़े लेवल पे। भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरा भाई जीता, नहीं जीतता कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आया, जगह बना ली पूरे भारत के अंदर, वही बोल। कल दीपिका भाभी भी गई थी बिग बॉस हाउस में, कैसा राउंड का एक्सपीरियंस, उन्होंने आपको क्या बताया स्पेशली अंदर का? मैं इतना ही बोलूंगा कि जैसी दीपिका पहुंची, अरुण भाई से मेरा जिक्र किया, भाई रोने लगे, मुझे कल हॉस्टल में दीपिका पहुंचा था तो वो ये लगा लो बेशुमार प्यार मिला और मेरी दिल की बात उसने करी। बाकी देखो एपिसोड में दिख जाएगा आपको क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन जो हुआ कल अच्छा हुआ। और मैं भी वेट कर रहा था कि मेरे को बुलाया जाए अंदर, मैं तो पागल हो रखा हूँ कि अरुण की शक्ल देखनी है मेरे को, अब करना उसको प्यार करना है, आई लव यू बोलना है, यहाँ तक आ गया, सबको बैगन में मिलाते मिलाते बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतने कम फॉलोवर्स है मेरे भाई के, बहुत कम फॉलोवर्स लेकर आया था हैदराबाद का, बहुत सिंपल परिवार से। आपने एक एपिसोड देखा होगा 10-12 दिन पहले, ईशा और अंकिता अरुण से एक बात कह रहे थे कि अगर हस्बैंड हो ना पूरे भारत में आप जैसा हस्बैंड मिले, क्योंकि लड़कियों से दूरी 2 कदम दूर बैठता बिग बॉस के अंदर भी, लड़की यहाँ बैठ गई तो उठ के वहाँ बैठ जाएगा, शो देखना सारी महिलाएं जानती है अगली बार। फिनाले के लिए क्या प्लानिंग है आपके, आपका कोई परफॉर्मेंस है? मैडम इतना बोलूँगा 29 लाख के कपड़े पहन रहा हूँ और जूते का रेट तो क्या ही बताओ आपको, मैं बहन बताने क्या नहीं आप बता ही दो, अब जूते का जिक्र किया तो आपने दाम बता ही दो, उस दिन क्या पता बिजी रहोगे बता नहीं पाओगे। बड़ा धमाका होगा, बड़ा तहलका होगा, बहुत बड़ा तहलका मचने वाला। कॉस्ट्यूम वगैरह सब डिसाइड हो गया? मेरा जो इंस्टाग्राम था तहलका प्रैंक, वो मेरा नहीं रहा, वो इसलिए नहीं रहा, अब हो गया अचानक भयानक अरुण का, क्योंकि सारी पोस्ट सारी वीडियो अरुण की चल रही है, आप देखना मैं शांति से घर नहीं बैठा, मैं लगा पड़ा हूँ अपने भाई को जितवाने के लिए, भगवान ने जितनी हिम्मत दे रखी है, जितनी शक्ति दे रखी है उतनी लगा दूंगा, आज भी आगे भी किसी शो में जाएगा ना जान लगा दूंगा भाई। यहाँ पर भी आपको काफी राशन वगैरह बांटते हुए देखा गया, ये ख्याल कहाँ से आया आपके दिमाग में? कैसा राशन वगैरह बांटने का? आपने सब मेरी वीडियोस नहीं देखी, मैं 4-5 सालों से सेवा कर रहा हूँ मुंबई में, हाँ मुंबई का अलग कह सकते हो, बिग बॉस से निकलती मैंने 100 लोगों की सेवा, बोले तो 100 लोगों का डेली खाना फ्री कर रखा, डेली मेरे घर के पास ही वो कार्ड लगती है द्वारका एरिया में, डेली 100 लोगों को खाना खिलाया जाता है, वो सेवा जिंदगी भर चलेगी और वो आंकड़ा 100 से बहुत ऊपर जाने वाला है, अभी 100 है 1,000 भी होगा, 1 लाख भी होगा, कोई भाई जहाँ जाते हैं चाहे गोवा चाहे मुंबई कहीं भी जाते हैं वहाँ हेल्प होती है बड़े लेवल से, दिल से। मैडम ऐसा नहीं है कि मैं अरुण भाई के लिए भी शुरुआत करी है, मेरी सेवा वाला मैटर शुरू से है, अरुण भाई के लिए प्रार्थना करने आया हूँ, बस मेरा भाई जीत जाए। टॉप 2 में आप किसको देख रहे हो? सलमान खान के हाथों में वो दो कौन लोग हैं जिनके अंदर, 2 ही लोग हैं अंकिता और अरुण भाई, हाथ किसका उठते हुए देखना चाहते हो? तो लास्टली क्या चाहेंगे, क्या विश मांगना चाहेंगे आप फैन से अरुण के और आप? प्रार्थना करो यार मेरा बैगन भाई जीत जाए, अरुण भाई बोलते, अरुण भाई बोलते,